नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि संपूर्ण विश्व में फैल रहे कोरोना वायरस के मद्देनजर ललितपुर जिले के कस्बा पाली में उपजिलाधिकारी अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी फूलचंद्र और थानाध्यक्ष पाली यशवंत सिंह ने देर शाम नगर का भ्रमण किया, जिसमें उन्होंने पाली क्षेत्र अंतर्गत रे चौकी नगर का मुख्य बाजार पुराना बस स्टैंड पर स्थित दुकानदारों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्हें अधिकतर प्रतिष्ठान खुले मिले, जैसे मेडिकल, दूध, राशन एवं किराना, जिस पर उन्होंने इनके मालिकों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति उन्हें जागरूक करते हुए जिलाधिकारी के आदेश का पालन करने का निर्देश दिए। साथ ही मौके पर उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आदेश न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपजिलाधिकारी ने रात्रि में खुली हुई अंग्रेजी शराब की दुकान को भी बंद कराया। इसके बाद बस स्टैंड पर सब्जी वालों को हिदायत भी दी कि एक जगह भीड़ न लगाए एवं सब्जी लेने वालों से उचित दूरी बनाए रखे एवं नगर में किसी भी तरह की पान एवं गुटखे की दुकान नहीं खुलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि सतर्कता ही सुरक्षा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंत जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। वरना जो है अगर इस तरह पाया गया तो फिर आपको भी प्रतिबंधित किया जाएगा। आवश्यक सेवाएं हैं ये बंद नहीं होंगी, लेकिन इसमें एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और ठेले वालों की भी सुरक्षा है और जनता की, नागरिक की और यहाँ नगर पालिका के वासियों की भी इसी में सुरक्षा है। आवश्यक सेवाएं बंद नहीं है, बेचने का तरीका अपनाओ, तुम्हारी दुकान का दर्ज होगा।